ये देखिए नेहा खड़ी है मेरे लिए। चलो जल्दी से चलो तुम गाड़ी खड़ी करके आओ जा रहे चलो टिकट देनी है देखिए कुछ पैसा कम है उसमें। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अवनीश की मम्मी के चैनल को और आप देख रहे होंगे मेरी आंखें कैसे सोई सोई सी लग रही है एकदम सूजी सूजी सी। तो सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मैं छत पर थोड़ा वॉक कर रही हूँ। हमने कहा कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं और उसके बाद मुझे नीचे जाके नाश्ता बनाना है और खाना भी क्योंकि 8:30 बजे निकलना होगा। ये तो कहेंगे कि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल की तो अब बच्चे भी जिद करेंगे कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए। तो उसके मामा मामी के साथ हम लोग घूमने जा रहे हैं और घूमने कहाँ जा रहे हैं गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं हर कोई चाहता है कि स्विमिंग करने को मिले बस ढेर सारा पानी हो उसमें हम खूब नहाएं। तो बस ऐसी ही प्लानिंग बनी है कि हम लोग फन गाँव जा रहे हैं। फन गाँव में खूब सारे झूले हैं पानी वाले झूले तो आज बस बच्चे उन्हीं पे एंजॉय करेंगे अपने मामा मामी के साथ। तो बस आज की प्लानिंग यही जो मैंने आपको बता दी। बच्चे सो रहे हैं हस्बैंड भी सो रहे हैं सभी लोग सो रहे हैं। जानते हैं गृहिणी की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा होती है तो बस मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हम परफेक्टली करें। तो हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली है ड्यूटी से इसलिए वो नहीं जा रहे हैं और हम सब जा रहे हैं मस्ती करने। आज का पूरा दिन मस्ती का। तो गाइस जा तो रही हूँ मस्ती करने मजे करने लेकिन वहाँ से बीमार होके नहीं आना है। अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखना है। लू बहुत चल रही है तो जाने का तो सोच लिया है कि गाड़ी से जाना होगा लेकिन फिर भी कहीं से भी जाइए गर्मी लू तो अपना काम करेगी। तो उसके लिए करना क्या है हमने कुछ डिसाइड किया है कि घर से एक पानी बना के लेके जाऊंगी जो कि ग्लूकोज का काम करेगा। और उसमें होगा क्या बच्चों को चीनी ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं चीनी नहीं डालूंगी लेकिन आप अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी पानी लूँगी एक बोतल में और उसमें काला नमक डालूँगी और साथ में नींबू। शरीर को पानी की बहुत आवश्यकता होती है ऐसे मौसम में अगर बाहर निकलते हैं तो पानी बिल्कुल देना है। और साथ में हमारे यहाँ जो आरओ का पानी रहता उस पानी में कुछ भी नहीं रहता कुछ भी नहीं तो उस पानी को खाली ना पी के अगर हम उसमें काला नमक और नींबू ऐड कर लेंगे तो हमारा पानी हेल्दी हो जाएगा हेल्दी और टेस्टी। घूमो फिरो मज़े करो अपना ख्याल रखो साथ में बच्चों का ख्याल रखो। मतलब अस्पतालों में भीड़ लगी बीमारी की और सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या बीमारी होती है यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है और वो कम पानी पीने की वजह से होती है। बस पानी का विशेष ख्याल रखें। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पानी नहीं पीते हैं वो सोचते हैं कि मुझे यूरिन लग जाएगा सुसू लग जाएगा नहीं पीते हैं पानी लेकिन पानी पीना चाहिए। हाँ उनसे कहिए कि पानी पिए एक साथ ना पिए अगर एक साथ पिएंगे तो उन्हें सुसुर लग जाएगी लेकिन अगर यही पानी थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो उनको सुसु भी नहीं लगेगी पानी की जो पूर्ति है वो बनी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में पानी बहुत तेज़ी से उड़ता है जब आप बाहर निकलते हो किसी जगह पानी आपने भरा है या फिर भरा देखा खेतों में खलिहानों में या किसी जगह पर तो पानी ऑटोमेटिक उड़ जाता है भाप बन के। तो इसी तरह हम लोगों के शरीर का भी पानी उड़ता रहता है गर्मियों में बस हमें पता नहीं चलता। तो
जैसे थोड़ा थोड़ा पानी हमारे शरीर से बाष्प बन के उड़ता है ना, बस उसी तरह से हमें हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में नमी बनी रहेगी और हम खिले खिले लगेंगे। तो चलिए, मैं तो चलती हूँ सब कुछ ट्राई करने। आप भी अगर कहीं जा रहे हैं ट्रैवल करने गर्मियों में, तो आप ये सारे प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ नीचे। ये देखिए मेरी आलू की सब्जी बन गई है और इधर मेरी चाय भी बन चुकी है। गाइस देखिए, पेपर वाला पेपर गेट पे रख के चला गया। सही है, नीचे रहने से अच्छा है कि वो ऊपर ही रख दे। सुबह सुबह अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:15 और 6:15 बजे मेरा पेपर वाला पेपर दे के चला गया। इसको लगता है चाय पीने से पहले मुझे पेपर देना है सबको। कोई बोलते भी हैं ना लोग, चाय पीने के टाइम पे हमें पेपर चाहिए, तो इसलिए वो सुबह के सबसे पहले पेपर उपलब्ध करवा देता है, क्योंकि 6:30 7:30 के पहले तो कोई चाय पिएगा ही नहीं। दूध वाला आगे दूध ले लेती हूँ, ये भी 6:30 तक आ जाता है। कैसा दूध लग रहा है देखने में? दूध मोटा लग रहा है यार। बारे वाह, इसको मोटा कहते हैं तो पतला कैसा होता है? दूध का कचरा। राहुल क्या है इतना गंदा दूध पिलाओगे हमको? वो लगाते समय जैसे लगाते हैं ना भाई, नीचे जमीन बैठी रहती है। हाँ। जब लगाने लगते हैं तो उसका गर्दन तो जब बैठी रहती तो उसे खड़ा कर लो, खड़ा कर धुल लो। था वो धुल देते थे या नहीं धुले थे ना? हाँ हाँ, वो लोट तो? लेती हैं किचन में। बारिश तो नहीं है ना? बारिश होती तो मानते कि भाई कीचड़ में बैठी थी। अरे बारिश नहीं है, कीचड़ नहीं है, जहाँ कहते हैं गर्मी है ना, जहाँ भैंस रहती है वही धुल देते हैं, ताकि नीचे बैठे जमीन उनको ठंडा रहे। नहीं तो धुलो, धुलने के बाद बैठने ही मत दो। अरे भगवान ना बैठे थे तो हम कब तक खड़ी रहेंगे? दूते समय इतनी देर तुम दूध निकाल रहे हो, उतनी देर तो खड़ा रखो। हाँ उतनी देर खड़े रहो। हाँ तो कथन धुल के उसको दूध निकाल लो। हाँ बैठने ही मत दो। अभी क्या है कि बैठी थी और तुमने दूध ऐसे निकाल लिया। देखिए गाइस, अभी लोग दूध के साथ कचरा भी देते हैं। गाइस आलू की सब्जी बनाई, उसके बाद मैंने ये सैंडविच भरे और इधर मेरा ये सैंडविच सीख रहा है। ये देखिए गाइस, तो इस तरह से मैं बच्चों को आज नाश्ते में चाय के साथ सैंडविच दे रही हूँ। तो ये सैंडविच निकाल लेती हूँ, जा रही हूँ मैं ये सैंडविच अवनीश को देने। ये देखिए नया खा रही चाय सैंडविच, इधर भी एक चाय सैंडविच, देख लीजिए कितने आराम से लेटे हैं। और ये क्या चल रहा है अनुपमा, हटा क्यों लिया? आलोक जल्दी खाओ, टाइम हो रहा है। लाइट तो जला लो, जल गई लाइट। तो मैं सैंडविच रख रही हूँ टिफिन में, लेके जा रही हूँ क्योंकि भूख लग सकती है वहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। इसमें रखूँगी सॉस, तो गाइस इसमें मैं सॉस रखती हूँ पाउच वाला, तो इसको रखना आसान होता, ढीला वाला होता बोतल वाला तो फैल जाता, तो इस तरह से सॉस रख लिया है। तो ये खाना सिर्फ टेम्परेरी के लिए रख लिया है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे खाना ले जाना अलाउड नहीं है, जो भी वहाँ पे खाना होगा वहीं से लेकर खाना होगा। हम नहाने जा रहे हैं, देखो और ये पानी पड़ा है, आलोक ने पानी फैला दिया, कोई गिर जाएगा। गाइस मैं जा रही हूँ और बहुत देर हो गई है। ये देखिए यहाँ खड़ी है मेरे लिए अवनीश, चला गया है बस बस पकड़ने, और हम जो है भाग भाग के जा रहे हैं। चलो जल्दी से। चलो तुम गाड़ी खड़ी करके आओ, जा रहे हैं। चलो क्या बोल रहे? कोई बात नहीं, हमारे पास मेरा कार्ड, तीन चार लोग मिलके। कार्ड का क्या करोगे? टिकट देनी है तीन पर। देखिए कुछ पैसा कम है उसमें, रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो मंडे को घर तक, तो वहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी ओला वाली कार के। ये है क्या रेड? ये है गाड़ी। चलो बैठो, चलो कम से कम एसी तो है, राहत मिली। इतनी गर्मी थी बाहर,
बस ये मोड़ है ना, बस इसी से अंदर करना है, थोड़ा आगे और खुलो। आलो खाओ। तैयार हो रहा था। और अब ठीक हो? ऐसे ही आ गए। हाँ ठीक है, तैयार हो रहे। चलो तो तैयार ही नहीं हो? हाँ पनगांव चलना है। नए नए कपड़े अच्छे लग रहे हैं, जल्दी से तैयार, मम्मी से करो तैयार हो। गाइस मैं पापा के यहाँ चले आई हूँ और यहाँ से भाई और भाभी को पिकअप करके फिर जा रही हूँ पनगांव। उधर रमेश खड़ा है, नेहा भी गई अपनी मामी के पास। ये हमारी मम्मी, ये हमारा भतीजा। भतीजा है, जल्दी तैयार कर मम्मी को, चलते हम लोग घूमी घूमी। अच्छा यहाँ ठंडा है, बाहर बहुत गर्म है। ये नया बैठी है, ये क्या चीज है? मसाज करने के लिए। देखिए ये क्या है, ये क्या मसाज करने वाला है? हम लगा के देखते पैर में। ठीक है यार, एक बात बताओ कहीं भी लगा? ये तो सर की मसाज बहुत अच्छी कर देगा। लो लो लगाओ, कस के दबाओ, वाइब्रेट हो रहा है। हेलो अच्छा लग रहा है? ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मुझे मंगवाना है। आलो अच्छा, ये लाइट से चल रहा है? वो परमानेंट लगवा, बैटरी बैटरी परमानेंट ले हो, पैसे इसमें बैटरी लगती है। हाँ हाँ, बैटरी खत्म हो जाएगी तो फिर पड़े। हाँ बैटरी डायरेक्ट लगा दिया है वहाँ से, मुझे लगा दिया है, चलाओ दिन भर चलाओ तो रात भी चलाओ। हाँ लेकिन अच्छा मसाज हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मंगवाएंगे। ऐसे आराम मिलता है ऐसे करने से? बस ये एक्चुअली बैटरी इसमें रहती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं इससे जैसे ऐसे से कर रहे हैं तो आराम मिल रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, बहुत आराम मिलता है। सूजन वूजन कम हो जाती है। मेरी भाभी सी आई है, तैयारी नहीं हो पाई, हम लोग कब से वहाँ से वेट कर रहे हैं इनका और ये तैयारी नहीं हो पाई है। चलो गौरवेंद आ रहा, तुम तब तक अपना सब कुछ तैयार कर लो, ले लो। बाबू को भी दो, खा लेते बाबू। चलो आ लो अम्मा, ये उधर खा लेती नहीं, डाल ले झोला में, जा रहे हैं बाबू, हम जा रहे हैं, आएंगे फिर। जाना है? हाँ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हम आए थे मिलने और अब जा रहे हैं। हाँ फिर हम आएंगे, ठीक है बाबू। एक बात बता, मैं इतनी देर से यही बोल रही थी, तो मामा पास थी तो बुक कराने क्या जरूरत थी? चलो पूरी बारात बैठ जाएगी इधर, चल बैठेगा। आरुष आलोक तुम बैठ जाओ पीछे, वो चल के उधर से रास्ता है। निधि इधर से खुलता है क्या ये वाला? नहीं कोई जरूरत नहीं, आओ जाओ पीछे। आलोक मैं पीछे जाऊँ? हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ कहीं से भी आ जाओ, मामी बैठ जाएंगी यहाँ के पास। चलो आठ सीटर है ना, चलो सही है। इतनी देर से बता, मैं इसको ढूंढ तो एसी चलाएंगे ना अभी तो? एसी एसी सब चला है। हाँ और कैसे, इतनी बड़ी गाड़ी में एसी नहीं चलेगा, हम तो घुट के मर जाएंगे। एसी चल गया, चलो चल गया एसी। आप पीछे के बैठ गए? नहीं ठीक है। गाइस ये ट्रैवल ब्लॉग है और इसमें दो तीन स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में अभी मैं पापा के घर पहुंची हूँ, सेकेंड स्टेप में कहाँ जाऊँगी और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप भी है। तो इस तरह से करते करते ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है और लंबे की वजह से हमें ब्लॉग यहीं पर एंड करना होगा और बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, एक दिन के बाद, बस आप इंतज़ार करते रहना और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसी ब्लॉग में समेट दूँ। गाइस बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, तो मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूँगी। तब तक लिए आप एक चीज़ भूल रहे हैं, सब्सक्राइब, उसका ध्यान रखिएगा गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय 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 बाय। फिलहाल इलाहाबाद में, और ऐसा ही बेंगलोर में था जब मैं